हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको पेन स्टैंड बताने जा रही हूँ जो हमारी एक्स्ट्रा चूड़ियाँ होती हैं। ये देखिए, ये मेरी एक्स्ट्रा चूड़ियाँ हैं जो हमारे यूज में नहीं आती, जिसे हम पहनते भी नहीं हैं, तो सोचे हम इनका क्या करें। तो आज हम आपको इन एक्स्ट्रा चूड़ियों से पेन स्टैंड बनाना बताएंगे। तो ये मैंने दो कड़े भी लिए हैं, ये देखिए इसी कलर के। और उसके बाद हमें इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और ये मैंने एक सीढ़ी ली है, ठीक है। सीढ़ी को मैंने बीच में से कट करके इसी के, इससे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कट करना होता है, जो इसका नीचे का बेस होता है ये हमें थोड़ा इससे चूड़ी से ज़्यादा कट करना होता है। और उसके बाद इसमें फेविकॉल की, और जैसे इसमें सीढ़ी में एक गैप होता है यहाँ पे, तो उसमें हमने ये जिससे मैंने आपको बटन बनाने बताए सीसा से, वो मैंने इसमें बीच में लगा लिया है। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, हम इसे आपको बनाना बताएंगे किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो ये जो हमारे दो कड़े हैं, इनको हमें नीचे और ऊपर रखना है, दोनों बैंगल्स हमें नीचे और ऊपर रखने हैं, और ये बीच में सारी चूड़ियाँ रखनी है हमें। तो इसके लिए हम पहले इसके ऊपर ऐसे फेविकॉल से इसे पूरा कवर कर देंगे, ताकि हमारा ये इस पर अच्छे से सेट हो जाए। ऐसे, और इसका ये जो, ये हमें इस प्रकार से रखना है कि ये हमारा चारों तरफ से डिस्टेंस बराबर रहे, ठीक है। ऐसे बराबर रहे हमारे डिस्टेंस इतना, और फिर उसके बाद इसके ऊपर हमें चूड़ियाँ रखते हुए जाना है। और साइज हमें एक ही लेना है। अगर आप इससे थोड़ा बड़ा बनाना चाहती हैं तो चूड़ी का साइज आप वही लें। अगर एक साइज है तो एक साइज से ही बनाएं, वरना छोटी बड़ी चूड़ियाँ होती हैं तो उससे इसकी शेप बिगड़ जाती है। ऐसे अब हम इसके ऊपर चूड़ी को लगाएंगे। ऐसे आप चाहें तो एक एक का सेट भी बना सकती हैं चूड़ियों का, जैसे कि दो दो चूड़ियों का सेट बना के ऐसे ग्लू गन से चिपका के तब इसके ऊपर आप लगा सकती हैं। देखिए इस प्रकार से ऐसे सेट बना लें चूड़ियों का, और तब आप इसे लगा दें। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके यूज में नहीं आती हैं, आप सोचते हैं हम इनका क्या करें। तो ये हमारा बहुत सुंदर पेन स्टैंड बन के आएगा। देखिए ऐसे ही इसे बराबर रखते हुए, चारों तरफ से बराबर रख के, तब हमें ये थोड़ी देर हमें सूखने के लिए रखना है, क्योंकि ये फेविकॉल है तो ये जल्दी से सूखता नहीं है। तो इसको सूखने के लिए करीबन एक या आधा घंटा लग जाता है, तो इसलिए इसे धीरे धीरे सेट होने दें। और ऐसे ही इसके ऊपर आराम आराम से चूड़ियाँ रखते जाएं। अब ये देखिए ऐसे ही हमें इसके ऊपर चूड़ियाँ रखनी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो कि आप कर नहीं सकते। ऐसे इसके ऊपर ऐसे एक एक कर, अभी देखिए ये हमारा इतना बन चुका है, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि इसमें फेविकोल दिख रहा है, लेकिन ये सूखने के बाद जब हमारा ये सूख जाएगा, जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा सूखने के बाद, और जैसे हमारा यहाँ पे अभी हमारी ये सीढ़ी दिख रही है आपको, इसमें गैप है क्योंकि ये हमने इस पर कुछ नहीं लगाया, लेकिन हम इसे डेकोरेट के लिए इस पर लेस लगाएंगे। आप अपने घर में रखेंगे, इसमें पेन वगैरह कुछ भी डाल सकती हैं, ये बहुत ही सुंदर लगेगा रखने के बाद, और आपकी जो हमारी एक्स्ट्रा चूड़ियाँ होती हैं उनसे एकदम बढ़िया चीज़ बन जाएगी। और ये आप अपने घर पे ट्राई ज़रूर करें प्लीज़ बनाने का। जो जो वीडियो मैं आप डालती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप उसे ट्राई करें, ठीक है। आप उसे एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें, जैसा आपसे बन के आएगा वो अच्छा ही होगा। आप कोशिश करें तो आप ज़रूर बना सकती हैं, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप एक बार ट्राई करें इसे बनाने का। अब हमें इस तरीके से इसमें चूड़ियाँ रखते जाएंगे। अब ये देखिए ऐसे ही इसके ऊपर हमें चूड़ियाँ रखते हुए जाना है, ऐसे पूरे में लगा के, और ऐसे इसके ऊपर भी लगा सकती हैं आप, और फिर इसके ऊपर दूसरी वाली चूड़ी रख सकती हैं। और ये फेविकॉल हमारा दिख रहा है आपको, सूखने के बाद सारा सेट हो जाएगा। और इस चूड़ी को रखते टाइम इसे बराबर कर लें बिल्कुल।
ऐसे हम रखते जाएंगे, और जो आपको इसकी लंबाई जितनी रखनी है उतनी आप रख सकती हैं। वैसे हम आपको इतनी लंबाई बताएंगे जितनी पेन स्टैंड की होती है, लेकिन आप इसे और बड़ा बनाना चाहती हैं, इसमें और कुछ रखना चाहती हैं, तो आप थोड़ा और बड़ा बना लें इसे। ऐसे धीरे धीरे से फेविकॉल लगाना है ताकि हमारी ये चूड़ियों का सेट ना बिगड़े इधर उधर को। एकदम गोल करते हुए लाना है इसको। आप इसे किसी भी कलर की चूड़ी से बना सकती हैं, दो कलर की चूड़ी से या तीन कलर की चूड़ी से, जितना आप चाहें उतना ही इसे कलरफुल बना सकती हैं। जैसे मैंने इसमें ये कलर की चूड़ियाँ और ये कड़े लिए हैं, आप इसे दो कलर से भी बना सकती हैं। ऐसे इसे सेट कर लें एक बार हाथ से ताकि कहीं से टेढ़ा ना हो। अभी देखिए हमने अपनी चूड़ियां पूरी रख के कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद जैसे हमने नीचे ये बड़ा बैंगल्स रखा था, उसी प्रकार से हमें ऊपर भी रखेंगे। ये देखिए ऐसे पहले हम कड़े के ऊपर लगाएंगे और फिर उसके बाद ऐसे इसके ऊपर ऐसे रखना है। ऐसे हल्का सा हाथ से इसे ऐसे दबाना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद जैसे आपको हमारा ये गैप दिख रहा है सीढ़ी में, हमने छोटे छोटे लेस के टुकड़े कर लिए हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। अब इसको हमें ऐसे डेकोरेट करना है। पहले तो हम ये लेस लगाएंगे, फिर उसके बाद बीच में छोटे वाले सीसा लगा देंगे जिससे कि ये अच्छा लगे देखने में। आप इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकती हैं। देखिए इस प्रकार से हम लेस लगा के उसके बाद छोटा वाला सीसा लगाएंगे। अब ये देखिए अब हमने यहाँ पे लेस लगा दी है, उसके बाद हल्का सा डिस्टेंस देके हम ये सीसा लगा देंगे इसके ऊपर ऐसे। और फिर से हमें ये लेस का कटा हुआ टुकड़ा लगाना है। ये हमने पूरी लेस में से इसे कट कर लिया था, जैसे बड़ी लेस में से छोटे छोटे टुकड़े बना लिए हमने इसी के बराबर। ऐसे ही हल्का सा डिस्टेंस देते हुए ऐसे रखना है इसको। यहाँ पे लेस को लगाना है। ऐसे घुमाते हुए चलना है इसको बिल्कुल। ऐसे हल्का हल्का सा घुमाते जाएं और ये लेस और ये सीसा लगाते जाएं। ऐसे मैं इसे पूरे में लगा लूंगी इसी प्रकार से। ऐसे इसे घुमाते हुए चलना है।
ताकि हमें दिखता रहे कि हमें कहाँ पे चीजें लगानी है। ऐसे और घुमा लें इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पेन स्टैंड आपके सामने बनके तैयार है। इसे हमने शीशे से इसे डेकोरेट कर लिया है, और उसके बाद आपके बच्चे जहाँ पे पढ़ते हों वहाँ पे रख के, और आपके पेन वगैरह ऐसे कहीं पे भी पढ़ डोलते हैं ऐसे इसकी इसमें इस तरीके से रख रख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनसे हम आपको नए नए आइटम बनाना बताएंगे। अब ये देखिए इसमें आप कितने भी पेन वगैरह डाल के इसे सकते हैं। इस तरीके से हमने आज ही आपको नई चीज़ बना के बताई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।